ओम शांति। हम सब अपने आप को बाहर की दुनिया से अपडेट रखते हैं, न्यूज़ पढ़कर, न्यूज़ सुनकर। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे भी बहुत अधिक ज़रूरत है मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया को ठीक करने से ही शांति आएगी। मन शांत हो जाएगा ना, तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। मन की शांति माना धीरज, सकारात्मक विचार। नो मैटर व्हाट योर करंट सर्कमस्टेंस आर, बट इफ यू कैन इमेजिन समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, यू कैन क्रिएट इट। जितनी एनर्जी आप डर पर लगा रहे हो ना, अगर उतनी एनर्जी आपने एक अच्छे विचार पर लगा दी तो मिरेकल हो जाएंगे, क्योंकि डर एक कल्पना है। और सोचो, अगर एक अच्छा विचार, भले वो कल्पना है, अभी नहीं है, भविष्य में हो जाएगा, लेकिन अगर उसको मैंने बड़े विश्वास के साथ कॉन्स्टेंटली रिपीट कर दिया तो जादू हो जाएगा। एक अच्छा विचार, मेरा सब अच्छे ते अच्छा ही होगा, मेरा सब अच्छे ते अच्छा ही होगा, विश्वास के साथ लगातार, अगर मैंने मन में इसको बार बार रिपीट किया तो क्या होगा? यस, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी ब्रीदिंग सुधर जाएंगे, मेरी ब्रीदिंग स्लो और गहरी हो जाएगी, मेंटली रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, फिजिकली भी रिलैक्स महसूस करेंगे, मेरी इम्यून सिस्टम सुधर जाएगी, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचक शक्ति, वो भी सुधर जाएगी। मेरा मन खुश रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको मालूम है, ज़्यादा मौत बीमारी से नहीं होती है, बीमारी के डर के कारण ज़्यादा मौत होती है, लेकिन इस विचार से मेरा मन खुश रहेगा तो हेल्थ भी अच्छे से अच्छी हो जाएगी, और मैं सदा एक्टिव, चुस्त फुर्त महसूस करूँगी। तो सिर्फ एक मंत्र बोलना है रोज रोज, बार बार, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, एक ही मंत्र विश्वास के साथ, लगन के साथ, लगातार, दिन रात, मेरा सब अच्छे ते अच्छा ही होगा, मेरा सब अच्छे ते अच्छा ही होगा, और फिर देखो उसका जादू। हैप्पी डे।